नमस्ते दर्शकों, कभी रात को सोते समय ऐसा हुआ है कि आप जाग तो रहे हैं पर हिल नहीं पा रहे, आवाज भी नहीं निकाल पा रहे और महसूस हो रहा है कि कोई अदृश्य चीज आप पर सवार है? अगर हाँ तो आप शायद स्लीप पैरालिसिस का अनुभव कर चुके हैं। आज हम रात के इस रहस्यमयी अनुभव स्लीप पैरालिसिस के बारे में जानेंगे। स्लीप पैरालिसिस एक नींद की बीमारी है जिसमें दिमाग जाग जाता है लेकिन शरीर सोया रहता है। कुछ देर के लिए आप हिलडुल नहीं पाते, बोल नहीं पाते और अक्सर डरावनी सी चीजें महसूस करते हैं। ये अनुभव काफी भयानक हो सकता है लेकिन ये किसी गंभीर बीमारी की निशानी नहीं है। स्लीप पैरालिसिस के ठीक ठीक कारण अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आए हैं लेकिन कुछ चीजें इसे ट्रिगर कर सकती हैं। नींद की कमी, तनाव, अनियमित नींद का पैटर्न, कुछ दवाइयां, मानसिक बीमारी, इसी के कारण ये सिम्टम्स दिखाई देता है। दुनिया भर की कई संस्कृतियों में स्लीप पैरालिसिस का जिक्र मिलता है। भारत में इसे भूत पिशाच का साया माना जाता है। यूरोप में इसे ओल्डहग या नाइटमेयर जैसी चीजों से जोड़ा जाता है। आज विज्ञान की मदद से हम समझते हैं कि नींद का लकवा दिमाग की एक अवस्था है लेकिन ये डरावना जरूर लग सकता है। अगर आपको बार बार स्लीप पैरालिसिस होता है तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें, वे आपके लिए उचित इलाज बता सकते हैं। याद रखें, नींद का लकवा डरावना जरूर लग सकता है लेकिन ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं है। कुछ सावधानी और अच्छी नींद की आदतों से आप इससे बचाव कर सकते हैं। तो जागते रहिए और रात को सुखद नींद का लुत्फ उठाइए। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक सुखपूर्वक सोएं। धन्यवाद।